हेलो गाइस, आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अपने घर पे एंड आई विल शो यू कि मैक्रोनी कैसे बनानी है। आई एम अबाउट टू मेक इट और स्टेप्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी एंड साथ साथ हम डिस्कशन भी करते जाएंगे। हेलो भाईजान, आई विल शो यू माय हाउस एज वेल, यू गेट टू सी अ डिफरेंट वाइब टुडे। ये है हमारा टीवी लाउंज। As you can see, यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में दिखाई थी कि ये हम बाय करने लगे थे एंड दिस वन वी बॉट। यू कैन वॉच दैट व्लॉग ऑन माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, सो अभी मैं आ गई हूँ हमारे ड्राइंग रूम में एंड चेक दिस आउट। बहुत ही कोजी सा और बहुत ही रिलैक्सिंग काइंड ऑफ वाइब है, ऑल द देसी वाइब। एंड here my most favorite thing is this, let me show you this। okay, so this is basically, yahan pe humne sare souvenirs rakhe hue hain jo ki hum kahin bhi jate hain to we basically buy one souvenir from every country। har country se hum koi na koi wahan ki nishani zarur lazmi leke aate hain। jaise ki jo front pe padi hui hai ye egypt ki hai, वहाँ पीछे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया की है और उससे पीछे है अगेन इजिप्ट। यहाँ पे हमारे पास इटली की है। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो चेक रिपब्लिक की है, सऊदीया की है, ताशकंद की है, लेबनान की हो गई, उसके बाद जापान की भी है, बार्सिलोना, स्पेन, सो ओमान, सो यू नो दुबई, बहुत सारी हैं। This is my favorite place. And let me show you something. ये चेक करें आप। I love these beautiful decoration pieces जो हमने रखे हुए हैं। And इसके साथ आप देखिए, इसके साथ हमने matching table रखा है। Golden की ही theme दी है। Golden की theme ही हमने continue किया। उसके बाद ये again calligraphic piece है हमारे पास drawing room में जो कि हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे डाइनिंग आ गया एंड ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम। ओके, चलें अब चलते हैं मैक्रोनी बनाने। चलें, लेट्स गो मेक मैक्रोनी। अच्छा गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या क्या बना है। आज असल में दावत है हमारे घर पे, सो किचन को काइंडली इग्नोर करें। सफाई नहीं हुई भी सब, बिकॉज जाहिर है जब दावत होती है तो फिर बहुत सारा इस तरह का गंद मच जाता है। बट दैट्स नॉर्मल, दैट्स लाइक हर किसी के घर में यही होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या क्या बनाया है। हमारे पास कीमा, करेले, चिकन का सालन, चिकन कढ़ाई है बेसिकली। आफ्टर दैट मटन, हाँ ये मटन है। मटन के अंदर क्या डाला है, बनाने लगी हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए चिकन, जो कि ये रहा। मैं ले आई हूँ बाल्टी मैक्रोनी और ये है जी बोनलेस चिकन। अभी मैं पहले मैक्रोनी को बॉईल कर लेती हूँ। जस्ट एक टेबल स्पून है नमक का। अच्छा तो गाइस, मैक्रोनी मैंने रख दी ऊपर बॉयल होने के लिए। जब तक वो बॉयल होती है थोड़ी सी हम हवा ले लेते हैं, आज बहुत गर्मी है। यहाँ हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, चेयर्स वगैरह एक्स्ट्रा रख रहे हैं सो दैट ज़्यादा लोग यहाँ बैठ सके। वो सख्त भूख लगी हुई है, अभी मेहमानों के आने का टाइम है, इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो फिर खाना खोलेंगे, रोटी गल जाएगी फिर। पहले हम डालेंगे इसमें गार्लिक,
होना। अभी देखें प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने को जा रहा है, और थोड़ा अभी मैं चिकन को मैंने डाल लिया है, और अभी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छा सर गाइस, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया 2 कप, इतना कि चिकन उसमें डूब जाए, और अब इसको मैं कवर कर दूँगी। ये वाली रेसिपी आप ट्राई करें, दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी ऑफ मैक्रोनी। और ये एक पैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3/4 डालूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए। ये अभी बस लास्ट में मैं थोड़ा सा इसमें विनेगर और दोबारा से कवर कर दूंगी, सो दैट कि ये पक जाए। और अभी कैमरे के पीछे मेरी बहुत प्यारी भाभी है जिनको मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दिखाई ये तो अभी बस हम वेट करते हैं इसको 5-10 मिनट्स के लिए है। आई विल शो यू कि लास्ट में क्या लुक आती है और टेस्ट कैसा है, सबके रिव्यूज बताऊंगी। हमेशा टेस्ट बेस्ट होता है, बहुत बोल जी। अगर आपको लग रहा है कि पहले आप थोड़ी बहुत डाल के उसको मिक्स कर लें, ठीक है, देख लें कि इसमें जो है क्या और ज्यादा मैक्रोनी की जरूरत है, तो फिर आप इसमें और भी ऐड कर सकते। ठीक है, मैं आपको लास्ट लुक दिखाती हूँ इसे। So yummy. हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है आप? ठीक ठाक, ये फर्स्ट क्लास है हम। सारे काम करके आई हो। ओह माय गॉड, मेरी हालत देखिए, बस इसका लास्ट में मैं शूट करना भूल गई। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई होप यू हैव इंजॉयड द व्लॉग, एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।